हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप मेरे सामने वेलवेट फ्लावर प्लांट देख रहे हैं, तो आज हम इसकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो और एक इजी टू केयर प्लांट है और इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और जो इसका फ्लावर है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है और बिल्कुल वेलवेट की तरह। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इसका फ्लावर है वो एकदम वेलवेट की तरह नज़र आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो इसके फ्लावर है उसकी खूबसूरती एकदम देखते ही बनती है और इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नॉर्मल फर्टिलाइज़र डलता है, इसमें नॉर्मल वाटरिंग होती है, इसको नॉर्मल सी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसे कोई भी आसानी से अपने घर में लगा सकता है। ये एक सीजनल प्लांट है जिसे रेनी सीज़न में ग्रो किया जाता है। इसमें अक्टूबर में फ्लावर बनना शुरू होता है और अक्टूबर के एंड तक ये बिल्कुल खिलकर तैयार हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए मैं आपको इसका फ्लावर और भी नज़दीक से दिखाती हूँ। इसका फ्लावर डार्क मैरून कलर का होता है, पर इस बारी ये शायद क्लाइमेट की वजह से इसका जो कलर है वो एकदम लाइट ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस बारी गर्मी ज़्यादा रही है तो इसलिए इसका कलर चेंज हो चुका है। वरना ये वैसे मैरून कलर का होता है और एकदम बिल्कुल डार्क कलर का और बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर यह भी कम खूबसूरत नहीं लग रहा है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो एकदम डार्क मैरून कलर का होता है। जब इसको ग्रो करते हैं मई जून में, तब इसको दो टाइम वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अच्छी तरह से। लेकिन जैसा कि अभी टेम्परेचर डाउन है तो इसको एक टाइम वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये लगभग 1.5 मीटर के करीब ग्रोथ लेता है और ये एकदम सीधा सीधा बढ़ता है और ना तो ये झुकता है और ना ही किसी तरफ ये मुड़ता है और ये एकदम सीधी सीधी हाइट में चलता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिस तरह से इसको आप सामने देख रहे हैं, इसका जो मेन फ्लावर है, जो सेंटर में फ्लावर होता है, उसका ही साइज़ बड़ा होता है। बाकी जो इसके आसपास फ्लावर्स लगते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक ही जो इसमें फ्लावर है वो जो सेंटर में है वही उस बड़े साइज़ का है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। और जो इसके बीज हैं वो इस पोर्शन में बनते हैं, ये यहाँ पर, इन सब में इसके बीज बन रहे हैं, ये यहाँ पर, ये सब इसके बीज हैं। और जैसे जैसे ये इसमें फ्लावर निकलना शुरू होता है, इसका बीज भी साथ साथ बनता रहता है। ये सब इसका बीज है, ये जितने भी हैं। इस बीज को बाद में ग्रो करने के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं जब ये सूख जाएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट सीजन में इसको ग्रो कर पाएँ। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप इसको अलग अलग एक छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसको एक गमले में एक पौधा लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर हम एक गमले में दो पौधे लगाते हैं तो इसकी एक की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन दूसरे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप इसको लगाएं तो एक गमले में एक प्लांट ही लगाएं और 5 से 7 इंच के गमले में इसको आराम से लगाया जा सकता है। और अगर आपके पास स्पेस है, बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड में आपने कोई गार्डन बनाया हुआ है, तो आप उस गार्डन में इसको पार्टीशन वॉल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये बहुत ही सुंदर बाउंड्री वॉल का काम करेगा, इससे आपके गार्डन को एक बहुत ही सुंदर लुक मिलेगा, साथ ही खूबसूरत सी बाउंड्री वॉल मिलेगी और एक बहुत ही सुंदर सा कलरफुल पार्टीशन मिलेगा। और अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो इससे आप अपने गार्डन में कलर ऐड कर सकते हैं और ये आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो आप भी इस खूबसूरत से प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं और अपने गार्डन में एक कलर ऐड कर सकते हैं और एक खूबसूरत सा प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।